तो ये देखिए दोस्तों, ये पहली लेयर आ गई और इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, पानी पूरी आपके ना इधर उधर भागेगी। ये दूसरी लेयर आ गई, बटन इधर आ गया घूमा किस तरफ, और ये आ गई देखो तीसरी लेयर। टिक्की बना लूँ, टिक्की ना आज कम ही लाया था बना के, तो छुट्टी भी था इसीलिए चक्कर में। बाजार वगैरह से ना मेरे को फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो उधर जो राहुल और विक्रम भैया लोग लगाते हैं ना, वो ना बाजार गली के जस्ट सामने में ही लगाते हैं एकदम, तो उनको थोड़ा सा फर्क पड़ता है। यहाँ पे चिंटू देखो मोमोज बेच रहा है, ये वो वाला चिंटू नहीं है, ये वाला चिंटू है। कौन से भैया हैं? लत्तू भैया। और अभी यहाँ ब्रेड शॉप बेच रहा है, अरे वाह। और दोस्तों क्या हाल चाल, सब मस्त है? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आपका एक और नए ब्लॉग पे स्वागत है। अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं, समोसा तल के जस्ट आया हूँ, रख दिया हूँ समोसा, जाकर के सेट कर दूँ, पानी पूरी रख दें। लेकिन आज ना बाज़ार है, लेकिन पानी पूरी कम भी है यार, मतलब आज बाज़ार है आपको पता है सूरजपुर का, हमारे बिक्री अच्छी खासी होती है लेकिन पानी पूरी कम है। शायद मेरे ख्याल से ना 3 पन नहीं दिए हैं, समोसा तो तल दिया था, समोसा रख दूँ। तो दुकान लेके आ गया हूँ दोस्तों, अभी तुरंत आया हूँ, बस सेट ही कर रहा हूँ। और आज तो छुट्टी है, आज बाज़ार ज़रूर है, आइए बोनी करवाइए भैया। ये आपका पहले आ गया, मैं तो पहले ही आ गया। नहीं, उनका इंतजार कर रहा था ना, ये बोल रहे थे ना मोटू सेठ जाएंगे ना तो 50 रुपये खाएंगे। खा लेता यार, खा लेता मतलब मन नहीं, मस्त चटी बनवा है। धन्यवाद, मेरे पास भी है, मेरे पास पुराना है लेकिन नहीं आपके में फिनिशिंग नहीं है, इनका महंगा वाला आपको सस्ता वाला। अरे मेरे तो डर लगता है भाई, मैं इसी चक्कर में किसी का नाम तक नहीं लिखवाया आज तक। बताया सस्ता है कि महंगा है, 3-4 तो सेटिंग बताता हूँ उसको, 1x मिले 0x मिले। भाई जल्दी खिलाएगा तब तो 1 लीटर पानी आएगा मुंह में। समोसा तो देते हो क्या? समोसा चाट बना दो, समोसा वाला भैया नहीं, खाली समोसा खाना है। आज पता है स्कूल की छुट्टी, इसलिए सब सर लोग घूम रहे हैं, सरकारी छुट्टी है यार। हाँ, अरे कहीं ना कहीं के तो सर है ना, कोई स्कूल का है, कोई इंस्टीट्यूट का है, कोई हॉस्पिटल का है। क्या पप्पू भैया आपका भी तो सब कर देते हैं हमारे। तब अभी चालू कर दिया, नहीं खाना है, हो गया दही भी मोहला दे देवे जी। हाँ जी, वही चीज दही खाएंगे, चलिए। लहसुन पानी में मिक्स है, लहसुन है मिक्स पानी में, वो हंस रहे हैं देखिए ना, आपको नहीं मिलेगा तो। नहीं कोई प्याज मना करता है ना तो मैं बता देता हूँ कि लहसुन भी है। लहसुन सबके में मिक्स होगा, कोई भी फुल्की वाला हो भैया, था रोड में दुर्गा पंडल के पास। हाँ, खाली समोसा चाहिए आपको, ठंडा है लेकिन भैया क्या डाल दूँ, खोल लीजिएगा ना। हाँ, 30 रुपये खुले दे दीजिएगा, भुनी करवा दीजिए, होगा तो किस्मत नहीं होगा, 10 नहीं होगा तो 100 लूंगा, ज्यादा अच्छा किस्मत रहेगा। ये है 20, हो गया 30। थैंक यू भैया। कैसे लगा भैया? 10 और दीजिएगा ना, अच्छा लगा होगा तो, नहीं तो 10 वापस कर दूंगा। आज छुट्टी है स्कूल का, सेलिंग भी नहीं है, गुरुजी का भी छुट्टी है, नहीं नहीं है अभी तक, नहीं तो भाई सेठ 9 बजे नहा धोवा के ना पूरा सेठ। हाँ मतलब घर में रहते हैं तो आराम से फुर्सत से कुछ काम वगैरह रहता है। कुछ बोल रहे थे काम? मैं नहीं बोल रहा था कि नहाए नहीं है, अन्यथा मत लीजिएगा, बड़ा बड़ा दे देगा भाई को। मैं ही तो बोल रहा था कि छुट्टी है आज। भाई को बोला था कि छुट्टी है जी, मैं बोला था कि गुरु जी से बोल देना टिकट काटने के लिए, कल फ्री रहेंगे, कल छुट्टी है, समझे? कौन बोला तुम ना, कोई चैलेंज तो करो एक बार,
500 रुपये मिलेगा, 1100 मिलेगा। नहीं चाहिए भाई, रास्ता हो गया है। वीडियो बनाया था इसलिए बड़ा बड़ा दे दिया, मैं छोटे छोटे खिलाता लाता हूँ। चलिए भैया धन्यवाद, छुट्टी है आज, मज़ा तो नहीं आ रहा है लेकिन धीरे धीरे ना सेलिंग हो रही है हल्की हल्की। मिर्चा बढ़ा दो भैया, आइए हल्का फूक चटपटा। जब से प्याज मंगा हुआ ना तो आओ प्याज मांगते हैं, आओ प्याज दीजिए, आओ प्याज। तो बजे छुट्टी मार दी है आज फिर। टिक्की बना लो, टिक्की ना आज कम ही रहा था बना के। हाँ एक मिनट, सर 5 टिकट डाल देता हूँ फिर चार बना। बस अभी लास्ट चल रहा है। हेलो, एक इन दोनों को भी देना सेम। अरे खा पाएंगे, खाओ इसी में खा लो फिर बताना है ना मेरे को। ठीक किया, सामान लास्ट चल रहा है बोल रहा हूँ, 60 रुपये भी कम बचा हुआ है। तो टिकिया तो बाकी है भाई। हाँ टिकिया तो है ना, ये तो है। आपके में चाट में 10 मिनट रहेगा सर जी। हल्का बारिश होने में बाद ऐसे धूप निकलता है ना, बहुत दिक्कत होता है। इसमें 10 मिनट दोनों डाल दूँ, कहाँ कहाँ डालूँ? नमक, प्याज, गर्मा गर्म कुछ डालो, ठीक है खुद गर्म। अभी ना इतनी तेज़ गर्मी लग रही है ना, एकदम तेज़ धूप निकला हुआ है और इतनी तेज़ गर्मी कि हाथ पैर में पूरा दर्द है। मतलब ये सर्द गर्म होता है ना, बारिश होती है फिर सर्दी होती है, उसके चक्कर में भाई ऐसे में तो तबीयत ख़राब होती है। और हर साल बरसात में टाइफाइड होता भी है, इस साल देखते हैं। ख़त्म हो गया सर, ख़त्म हो गया, जा रहा हूँ मैं आलू लेने के लिए। अब अभी यहीं से चले जाऊँगा सीधा, फिर ना याद नहीं रहता है, फिर बाइक चलाना पड़ता है, फिर बाइक के ऊपर डबल वजन हो जाता है। अभी वैसे दिक्कत नहीं है, वैसे भी रोड बन गया तो, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ले आता हूँ। अभी आलू ही महंगा हो गया है, पहले 1300-1200 का देते थे, अभी 1400-1500 कर दिए हैं, देखता हूँ कितने का मिलता है भाई। अभी फटाक से उधर आना पड़ेगा, कहाँ यही मिल जाएगा, यही मिल जाएगा भाई। आलू कितने का है महोदय? प्याज तो यार जबरदस्त आ गया है, प्याज तो मस्त बड़ा बड़ा है। कहाँ भाव है प्याज? प्याज 1500 रुपये बोली, 40 भरती है प्याज, 1500 रुपये बोली 40 भरती है, इसका मतलब 4×16 = 20, 38 रुपये। हाँ 38 रुपये में थोड़ा सा कम पड़ा, 37 रुपये 50 पैसा। बैठ जाओ कुर्सी में थोड़ा सा, बहुत तेज गर्मी लग रहा था भाई रे। आलू कितने का है सर जी? अभी 1400 का भी है, 1350 का भी है। आलू आलू ना पूरा कमर तोड़ के रखा है हम लोग का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ठीक है, इधर उधर होता रहता है, लेकिन आलू क्योंकि आलू का ही बिजनेस है। कहाँ बोल रहे हैं? ये आदमी तो कमर तोड़ता है तेल,
तेल तो नहीं तोड़ता है, तेल चढ़ी ना तोड़ेगा, रिफाइन तेल भी बढ़ेगा। सेठ जी बोले रिफाइन तेल भी बढ़ेगा भाई। आइए एक बोरा आलू लोड कर दीजिएगा। बस डाल दीजिएगा यहीं पे, जगह बना दिया हूँ। एक ही बोरी है बस, एक बोरी। हाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह आइए 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 फुल्की खाइए फुल्की। और कहाँ गए और कहाँ गए और कहाँ गए? आइए आइए फुल्की खाइए फुल्की। तो घर आ गया हूँ अभी, अभी मेरा व्लॉग चल रहा है यहाँ पे और खुशबू बैठी है, मतलब चौबे जी की लड़की, और देखो चौबे जी को देख रही है मोबाइल में, ए टीवी में, सॉरी यार। अभी चौबे जी आएंगे देखना ना। कहाँ के पापा? मार्केट। दुकान खोलेंगे कल? काहे हैं कहाँ कर रहे हैं ना खुशबू, कहाँ कर रहे हैं? मार्केट गए हैं भाई, दुकान खोलेंगे कल से बोल रही है। फिर बोलते हैं नहीं खोलेंगे, फिर बोलते हैं खोलेंगे। तो घर से दोस्तों ना अभी मैं अपने दीदी की तरह आ गया था, मतलब जहाँ इधर मेरे पापा दुकान लगाते हैं, मुहर्रम है आज। और पहले हम लोग क्या करते थे पता है? ये रहा घर यहाँ पे, और हम लोग लगाते थे दुकान जस्ट इस तरह। ये वाला जो पेड़ देख रहे हो ना, ये दुकानें बंद हो जाती थी और यहीं पर लगा लेते थे। खूब भीड़ होता था भाई इसी चौराहे में ना, इतना भीड़ होता था कि पूछो ही मत। लेकिन हम ना अब कुछ नहीं होता, अब हो गया डामाडोल। अनिल वहाँ लगा हुआ है देखो, दुकान में भीड़ है अभी भी उसके। हमारा तो सब खत्म हो गया, मुहर्रम में ही लगाना है दुकान। काहे आए मेरे पापा बोलते हैं कहाँ है, पहले चार बजे से पूरा भीड़ होता था भाई, लगाने में मज़ा भी आता था। अभी नहीं जाना है घर, ओ भाई साहब अभी घर नहीं जाना है, हैं मोहर्रम ही लगाना है दुकान। मेरे जीजा भी आ गए देखो उस तरफ से, कोई नहीं लगाएगा भाई। नहीं सही बता रहा हूँ, यही रीज़न है, मतलब मार्केट होता ही नहीं है भाई अब तो। मैं आ गया था अभी यहीं पे जहाँ पे मेरे पापा की दुकान लगती है ना, वो देखो वहाँ पे दुकान लगती है, और इसी तरफ आ गया था वहीं पे ना, खड़ा वगैरह सब खड़ा कर रहे हैं देखो। आप भी देख रहे हैं क्या भैया? ए ते बड़े दिनों बाद बॉडी बन गया भाई, हैं ये देखो सरप्राइज का बॉडी बन गया। अच्छा दूर से देखो, दूर से बहुत दिन बाद दिखा है भाई ये। तो भीड़ में मेरे विकास भैया खड़े हैं मोहन लेने के लिए, और यहाँ पे ये सोमी भी है। कहाँ है भाग्य सुनता हो ले ले वो नहीं पता कहाँ है भाग्य भाई। एक नंबर। यहाँ पे चिंटू देखो मोमोज बेच रहा है, ये वो वाला चिंटू नहीं है, ये वाला चिंटू है। कौन से भैया हैं? लत्तू भैया। और अभी यहाँ ब्रेड चाप बेच रहा है, अरे वाह। मैं खाना खा गया हूँ भाई। अरे लड़की को हटा, बच्ची को हटा दे पीछे, जानो पीछे से हटा दे। अबे बच्ची लोग हटा दे बे। अबे यार हटा दो मन की। तभी ना सब लोग यहाँ पे आए थे और सब लोग चले भी गए, माहौल खत्म हो गया अभी फिलहाल। भैया का सामान बचा हुआ है, चिंटू लगा हुआ है अभी। चलो भाई खत्म हो गया माहौल। चिंटू लाल विकास भैया मोमोज खा रहे हैं का?
कौन सा मोमोज है? मैं दिखा देता हूँ आप लोग को भी, ये देखो बेवफा मोमोज। किलो में आपको 1200 रुपए किलो मिल जाएगा भैया, सस्ता हो गया। अच्छा ना, फुल्की कैसे है किलो में? 1000 रुपए में एक किलो आ जाएगा, मतलब 700 पीस आएगा कि 12 पीस? 1200 पीस दिन के बताऊंगा। रात के 12 बज गए हैं। यही होता है ना, मतलब देखो अभी ना, पहले जो वहाँ पे जब खेल कर रहे थे ना अभी, तो वहाँ पे ना कम से कम पहले 2 से 2.5 घंटे रुकते थे और बहुत भीड़ होती थी। अब तो आते हैं और चले जाते हैं। तो मान लो हम लोग को सेलिंग है, वो ब्रेड चाय वाला जो रवि था वो 200 रुपये की सेलिंग किया और चिंटू 400 रुपये की, और मैं 400 की ले जाऊँ यहाँ से जाऊँ, कम से कम 2000 या 2500 की सेलिंग नहीं होगी और 1000 या 500 की होगी, तो नहीं समझ में आता भाई। तो रात को तक परेशान भी होना पड़ता है। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पेंड करता हूँ। IOP ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।